सभी को मेरा नमस्ते और मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ सभी का। और मिलाप फाउंडेशन से मेरी जो हेल्प हुई है उससे मैं अपने भविष्य को उज्ज्वल बना सकूँगा। और मैं मिलाप फाउंडेशन और जो सभी लोगों ने डोनेट किया है उनका मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिससे कि मैं अपनी पढ़ाई पूरी कर सकूँगा। और मैं मूलतः हमीरपुर ज़िले का रहने वाला हूँ और मेरे माता पिता ईंट भट्टों पर पढ़ाई का काम करते हैं और 6 महीना भट्टे में रहते हैं और 6 महीना घर में रहने के कारण मेरी पढ़ाई उतनी अच्छी नहीं हो पाती थी, जिसके कारण मैं अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से नहीं चला पाता था। और इसी कारण वहाँ पर एक विजया दीदी दीदी हैं जो IIT कानपुर में प्रवासी मजदूरों के बच्चों के लिए काम करती हैं, अपना स्कूल नाम से एक संस्था चलाती हैं, तो मैं उसी में पढ़ता था। और 2006 के बाद मेरा टर्निंग पॉइंट आया, जिससे विजया दीदी और महेश भैया लोगों ने मिलकर एक अपना केंद्र नाम का एक संस्थान स्थापित किया, जो कि IIT कानपुर के बगल में 9 बच्चों के साथ में शुरू हुआ था। और वो बच्चे आज सब जगह, मैं उस बैच का पहला व्यक्ति हूँ। और भी हमारे साथी हैं जो अजिम प्रेम जी वगैरह यूनिवर्सिटी से बहुत सारे पढ़ाई लिखाई करके आगे पढ़ गए हैं, और मैं भी अपनी पढ़ाई लिखाई करने के लिए लखनऊ विश्वविद्यालय में 2015 में दाखिला लिया, लेकिन मेरी परिस्थितियाँ जब लिया मुझे 1200 रुपये में एडमिशन तो मिल गया, और अनुसूचित जाति होने के कारण, और मैं अनुसूचित जाति में दलित समुदाय से आता हूँ, जिससे कि मेरी स्कॉलरशिप मिली। लेकिन जब मैं कोर्स में एडमिशन लिया था तो मुझे ये जानकारी नहीं मिल पाई थी कि ये सेल्फ फाइनेंस कोर्स है जिसकी छमाही फीस 25,000 रुपये है। मुझे लगा कि 0 फीस में एडमिशन होता है, पढ़ाई हो जाती है। लेकिन जब स्कॉलरशिप मेरी सेकेंड ईयर में नहीं आई, तो जब मेरे पता चला कि ये सेल्फ फाइनेंस कोर्स क्या होता है, उसके कारण से मैं बहुत जगह दौड़ भाग करके किसी तरीके से संदीप भैया से मिलकर, और जब मैं 4-5 बार दसियों बार चक्कर लगा के 15 बार चक्कर लगा के जब स्पेशल सेक्रेटरी सर से मिलकर किसी तरीके से रिजान सिंपल सर से और वहाँ से सब मिलकर वहाँ से मुझे दाखिला मिल पाया। और उस बीच में संदीप भैया को मैं बहुत शुक्रगुजार करूँगा जिन्होंने मेरी मदद किया। और वही स्थिति मेरे साथ फिर 4th ईयर में भी हो गई, जिससे कि मेरी स्कॉलरशिप नहीं आ पाई और मैं फिर फीस नहीं जमा करने के कारण अपना दाखिला 5वें वर्ष में नहीं ले पा रहा था। और ये मिलाप फाउंडेशन की वजह से ये मेरा हो पाया। और सभी जिन जिन लोगों के मेरे नाम मुझे याद नहीं आ रहे हैं और जो मैं सबका दिल से आभार प्रकट कर रहा हूँ और सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, जिससे मैं एक अपने आप लोगों का हमेशा ऋणी रहूँगा। और मैं आपका ये हमेशा एहसानमंद और आपका ये कारणों से मैं अपना लाओ की पढ़ाई पूरी कर पा रहा हूँ। मिलाप फाउंडेशन का मेरा बार बार धन्यवाद।